पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। संत मोनिका कौन है, क्यों हम उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं? संत मोनिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम सबको जानना जरूरी है। कलीसिया में विवाहित महिलाओं के आदर्श एवं विधवाओं की संरक्षिका संत मोनिका का जन्म उत्तरी अफ्रीका के टगास्ते नगर के एक ख्रिस्ती परिवार में सन 331 में हुआ। बचपन में उसी नगर के एक धर्मी एवं विश्वासी शिक्षक से उसने ख्रिस्तीय शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उनका विवाह पेट्रिसियस नामक एक गैर ख्रिस्ती अफसर से हुआ। वह बड़ा क्रोधी एवं चरित्रहीन था। इससे मोनिका को बहुत कष्ट सहना पड़ा। साथ ही उसकी सास भी मोनिका को कई प्रकार से सताती थी, किंतु मोनिका प्रभु यीशु के प्यार के लिए सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। वह इन दोनों के मन परिवर्तन के लिए प्रभु से लगातार प्रार्थना करती और एक आदर्श ख्रिस्तीय जीवन बिताती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने गौर किया होगा कि संत मोनिका के जो पति हैं वो उनके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं और उनकी सांस भी उन्हें परेशान करती है। लेकिन संत मोनिका उनके विरोध में नहीं जाती है, उनके खिलाफ नहीं जाती है, उन्हें वापस अपशब्द नहीं कहती है, बल्कि दयापूर्ण उनके लिए प्रार्थना करती है, ईश्वर से उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। अगर हमारे पति, हमारी सास या हमारी पत्नी, कोई भी आपके विरुद्ध में है, आपके खिलाफ कुछ कहता है या कहती है, आप उससे लड़ाई झगड़ा ना करें। आप उनके मन परिवर्तन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और ईश्वर अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेगा। साथ में उनके इस व्यवहार का सास और पति पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि दोनों ने बपतिस्मा ग्रहण किया और उत्तम ख्रिस्तीय जीवन बिताने लगे। मोनिका का हृदय प्रभु के प्रति धन्यवाद और प्रेम से छलक उठा। आपने देखा होगा, अगर हम लड़ाई के बदले लड़ाई करेंगे तो वहाँ पे अशांति होती है, लेकिन उनकी सांस उनको कितना भी तंग क्यों ना करती हो, फिर भी वह उनसे प्यार ही करती है, उनकी सेवा ही करती है, उनका ध्यान रखती है। यह सब कुछ देखकर संत मोनिका के पति और उनकी सांस का मन परिवर्तन हो जाता है। ईश्वर उन्हें स्पर्श करता है क्योंकि संत मोनिका उन दोनों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती है और ईश्वर उनकी प्रार्थना को स्वीकार करता है और उन दोनों का मन परिवर्तित हो जाता है। संत मोनिका के जीवन में परेशानियां भी थी, खुशियां भी थी, लेकिन खुशियां ज़्यादा दिन नहीं रही। कुछ समय बाद संत मोनिका की सांस का देहांत हो गया और उसके कुछ समय बाद उनके पति उनके दो पुत्रों एवं एक पुत्री को छोड़कर चल बसे। मोनिका पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पति की मृत्यु के बाद मोनिका की सारी आशा अपने बड़े बेटे अगस्तीन पर थी, जो उस समय 17 वर्ष का था। वह बड़ा प्रखर बुद्धि एवं परिश्रमी था, किंतु कार्तेज नगर में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए उसने मनिकेई नामक विधर्मी मत को स्वीकार कर लिया और आवारा जीवन बिताने लगा। ये समाचार पाकर मोनिका का हृदय तीव्र दुख से करा उठा। वह अनेकों रात जागकर घुटनों के बल गिरती अपने पुत्र के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करने लगी। इस तरह 9 वर्ष बीत गए, किंतु बेटे के मन परिवर्तन के लिए माँ की प्रार्थना और तपस्या में कोई कमी नहीं आई। उसका हृदय भीतर ही भीतर रोता रहा। कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी वह प्रार्थना किया करती थी,
वहाँ की धरती को आंसुओं से भिगोती थी। ऐसे में उसकी भेंट मिलान के ज्ञानी एवं अनुभवी धर्माध्यक्ष अम्ब्रोस से हुई। उन्होंने धर्माध्यक्ष जी को अपने पुत्र की दुर्दशा के विषय में बताकर उनसे निवेदन किया कि वे उसके पुत्र को मनिकेय विदर्भ से वापस लाएं। धर्माध्यक्ष ने मोनिका को धीरज बंधाते हुए कहा, ये कैसे संभव है कि जिस पुत्र के लिए इतने आंसू बहाए जा रहे हैं वह नष्ट हो जाए। इन शब्दों में मोनिका को एक आशा की एक किरण दिखाई पड़ी और वह आशापूर्वक अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर बनी रही। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज अनेक माताएं, अनेक बहनें हैं जो अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए परेशान है। नशा करता हो, किसी का पुत्र गलत रास्ते चला गया हो, मार्ग से भटक गया हो, गलत संगति में पड़ गया हो, चोरी चकारी करता हो, अनेक माताएं आज अपने पुत्र के लिए रो रही है। इसी तरीके से संत मोनिका अपने पुत्र के लिए दिन रात प्रार्थना करती थी। उनका विश्वास था कि ईश्वर उनके पुत्र को सही मार्ग दिखाएगा। प्रभु अपने दूत को भेजता है। संत मोनिका के जीवन में धर्माध्यक्ष जी एक दूत के रूप में आए। उन्होंने कहा कि आपने जो प्रार्थनाएं की है, घुटने पर बैठ के रोते हुए जो प्रार्थनाएं की है, वो कैसे अस्वीकार हो सकती है, कैसे ईश्वर स्वीकार नहीं करेगा। ईश्वर उनकी प्रार्थना को स्वीकार करता है। आगे चलकर संत अगस्तीन ने सन 387 में मनिकेय विधर्म मत त्याग दिया और कैथोलिक धर्म में दीक्षित हुआ। माँ की चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हुई। इतना ही नहीं, उसने एक पुरोहित बनकर क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करना चाहा। माँ का हृदय आनंदातिरेक से उमड़ पड़ा। उसने कहा, बेटा, जिस दिन को देखने के लिए मैं जी रही थी, ईश्वर ने उससे भी बड़ा दिन मुझे दिखा दिया। तुम क्रिस्त के लिए जीवन अर्पित करने जा रहे हो, इससे बढ़कर आनंद की बात क्या हो सकती है। प्रभु ने तुम्हें सिखा दिया कि उनका अनुसरण करने के लिए इस संसार की सभी खुशियों को त्याग देना है। मेरा एक ही निवेदन है कि तुम प्रभु की वेदी पर प्रतिदिन मेरी याद करना। जब मोनिका अपने महान पुत्र के साथ कार्थेज जाने के लिए रोम तक पहुंची, वहीं अपने पुत्र के ही बाहों में उसका देहांत हो गया। उसकी आयु केवल 56 वर्ष थी। उसका पुत्र अगस्तीन आगे हिप्पो नगर के धर्माध्यक्ष, कलीसिया के धर्माचार्य एवं संत बने। अगस्तीन ने अपनी माँ के विषय में कहा, मैं कभी ये वर्णन नहीं कर पाऊँगा कि मेरी माँ का प्रेम मेरे लिए कितना महान था। उसने अपनी दृष्टि से तथा अपने शब्दों से मेरे हृदय को ईश्वर की ओर उठाया। हे ईश्वर, यदि मैं अब तुम्हारा पुत्र हूँ तो वह इस कारण कि तूने मुझे ऐसी महान माता प्रदान की। कलीसिया में 27 अगस्त को संत मोनिका का पर्व मनाया जाता है। सदियों से भक्त जन मोनिका को विधवाओं की संरक्षिका एवं आदर्श माता मानकर उसकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम भी संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा सभी विधवाओं के लिए, सभी माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करें। अगर आपका पुत्र मार्ग से भटक गया है, आप उनके लिए प्रार्थना करें। उन्हें पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें। प्रभु आपके पुत्र का, आपके पति का, आपके सास ससुर का, आपके परिवार के हर एक जन का मन परिवर्तन करेगा। आपके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, चाहे पति के द्वारा हो, चाहे सास ससुर के द्वारा हो, उनके लिए आप प्रार्थना करें। उनके लिए आप ईश्वर से क्षमा याचना मांगे और उन्हें आप क्षमा करें और प्रेम से उन्हें स्वीकार करें। संत मोनिका हमें यही सिखाती है। जिन्होंने उनसे नफरत की, उन्हीं के लिए उन्होंने प्रार्थना की, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। आज हम भी संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा यही प्रार्थना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा नाम पर, आमीन। सबको जय श्री।